प्रश्न आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका सेकंड शिफ्ट का है, हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई न्यू शूज़, मेरे जो नए जो शूज़ जो हैं गेव, उन्होंने दिया मी मतलब मुझे क्या दे दिया है, मुझे अ ब्लिस्टर्ड मतलब एक छाला, मुझे छाला पड़ गया उससे, ऑन माई राइट हील मतलब मेरी जो है दाहिनी एड़ी पर। तो कह रहा है कि मेरे नए जूते की वजह से मेरी दाहिनी एड़ी पर छाला पड़ गया है। ठीक, तो कह रहा है कि माई न्यू शूज़ गेव मी, मेरे नए शूज़ ने मुझे दिया था, क्या दिया था, अ ब्लिस्टर, उससे एक मुझे छाला मिल गया मतलब पड़ गया। ठीक, ऑन माई राइट हैंड मेरे दाहिने हील पे मतलब एड़ी पर। अब इसमें एरर की बात करते हैं, देखिए यहाँ वर्ड आया है यहाँ पे अंडरलाइन, जो पोर्शन उसी को हमें चेक करना है। तो हमें पता है अगर वर्ड आ गया गेव वर्ब आ गया तो गेव मतलब देना, तो कह रहे हैं कि मेरे न्यू शूज ने दिया, क्या दिया, तो जो दिया होगा उसका नाम आएगा, तो मी मुझे दिया, क्या दिया, उसके क्या एक और ए। अब याद रखिएगा ए या एन जो भी हो, तो जो आर्टिकल होता है ए एन या द, ये जब होते हैं इनके बाद हमेशा क्या आता है, कोई ना कोई नाउन आता है। ए एन हमेशा किसी नाउन के लिए काम करता है, जब भी आर्टिकल ए एन आएंगे तो आपको नाउन मिलेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आ गया यहाँ पे ब्लिस्टर, अब ब्लिस्टर क्या है, यहाँ ईडी लगा है, तो ब्लिस्टर तो हमें पता है एडी मतलब यह है आपका ईडी लगा है, और हमें ईडी पता है कि ईडी लगता है हमेशा वर्ब में, और याद रखिएगा ए एन के बाद या द के बाद कोई वर्ब नहीं आती, बल्कि हमेशा क्या आता है नाउन आता है, कि ए एन या द जो होता है वो नाउन के लिए काम करता है, किसी वर्ब के लिए काम नहीं करता। तो जो ब्लिस्टर आया है एक्चुअल में ब्लिस्टर नहीं होगा, बल्कि ब्लिस्टर्ड में ईडी हटा दीजिए तो ब्लिस्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा छाला। ठीक, तो छाला जो होता है ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ सेंटेंस हमारा बनेगा मी अ ब्लिस्टर, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखेंगे ब्लिस्टर कहाँ पे आया है, अब देखिए मी अ ब्लिस्टर यहाँ देखिए ऑप्शन में आ गया, तो यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल ए है और ए एन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, और यहाँ देखिए एस लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग होगा, ए एन के बाद प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर आता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें देखेंगे तो आई अ ब्लिस्टर आया है, तो हमें पता है कि गेव, गेव क्या है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए आई तो लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए भी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, एक ही आया ऑप्शन नंबर डी मी अ ब्लिस्टर, मी अ ब्लिस्टर यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक कर देंगे। याद रखिएगा ए एन के बाद या द के बाद हमेशा नाउन आता है, वर्ब नहीं आती, याद रखना है आपको।